भाजपा सरकार अपने कार्यों पे काम करती थी, लेकिन ये दिखावे पे सेल्फी पे काम करती है। ये जो है दिखता कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है। फोटो खींचने की ये दिखाते हैं कि ये देखो कितने गरीब हैं, इनको नीचा पड़ा मजाते हैं फोटो। अरे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, फोटो दिखाते हैं कि जिससे जो है गरीबी की इज्जत हम तार ताड़ उड़ा के देखो मैंने ये फोटो खींची है। सरकार क्या कर रही है, नगर पालिका क्या कर रही है, बातें करती है गवर्नमेंट की, हम ये बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं, गरीबों का मजाक बनाए हुए हैं। सिंह कुशवाहा, गांधीनगर से। सभासद जी हैं तो आप यहाँ पर सारे लोगों ने बताया कि कोई भी खाने पीने की चीज़ हम लोग को नहीं मिल पाई है। कल लंच पैकेट बांटे थे माननीय चेयरमैन साहब ने और नगरपालिका ईओ समस्त सभासद थे, जिसमें उसमें चार चार पूड़ी और थोड़ी थोड़ी सब्जी थी, कल बांटी गई थी, आज कुछ नहीं मिला। ये क्या एक एक पूड़ी के पैकेट से इनका दिन भर और रात भर निकल जाएगी? ये तो शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए इसके बारे में। आप भी तो प्रतिनिधि हैं। हम प्रतिनिधि हैं तो रात बचाओ कार्य में लगे हुए हैं। जिन लोगों के घर दूध नहीं पहुंच पा रहा, उन लोगों घर दूध पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों का आटा नहीं पिस पा रहा है, गेहूँ नहीं पिस पा रहा है या सब्जी वगैरह नहीं पहुंच पा रही, तो इस नाव के जरिए हम लोग उनके घर पे सब्जी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप तो कुछ लिए नहीं अभी? नहीं, अभी छोड़ के आए हैं कुछ लोगों को, रात बचाओ कार्य में अभी छोड़ के आए हैं वहाँ निकाल के। तो ये बताइएगा कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, बाढ़ के हैं भले ही, लेकिन क्या इस तरह से इन लोगों का जीवन यापन हो जाएगा? अब हम खुद बाढ़ से पीड़ित हैं, हम जितना हो सकता है अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं लोगों को राहत बचाव कार्य में, और हम खुद बाढ़ पीड़ित हैं। हमारा घर भी ऐसी जगह है कि जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलने के लिए, हम खुद बाढ़ में इस कंडीशन में घूम रहे हैं लोगों के बचाव कार्य के लिए। सुबह 4-5 बजे से 8 बजे की सुबह हम लोग घूम रहे हैं राहत बचाव कार्य में। कुछ लोगों का मतलब गेहूँ पीसने के लिए रखा था, लोगों को ढुआ के लाए हैं और सब्जी दिलवा लाए हैं और दूध वगैरह सब कुछ, राहत बचाव कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं ये सभासद हैं, किस वार्ड से बताया? गांधीनगर, वार्ड नंबर एक गांधीनगर से महेंद्र कुशवाहा ये सभासद हैं, लेकिन ये खुद भी दर्द भरे हैं। इनका कहना है कि मैं खुद भी बाढ़ से पीड़ित हूँ, लेकिन अब ये क्या बांट रहे हैं ये इन्होंने बताया, मैं बचाव कार्य में लगा हूँ। अब इनके पास बचाव कार्य के लिए तो इन्होंने नाव निकाल ली है, लेकिन लंच के पैकेट इन तक नहीं पहुँचे हैं, तो फिर ये बाढ़ के लोगों को कैसे पहुँचाएंगे? ये बहुत सोचने की बात है। आखिर लंच पैकेट अगर बन रहे हैं तो बट कहाँ रहे हैं, और बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, कितने प्रभावित जगहों पर बांटे जा रहे हैं, और कौन लोग बांट रहे हैं, ये तो अभी तक पता ही नहीं चला है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे पीड़ितों तक वो मदद पहुंचे जिससे लोग उसको इस्तेमाल कर सके। पेट भरने के लिए भोजन तो चाहिए ही पड़ेगा, चाहे वो बाढ़ आ जाए या कुछ भी हो, ये तो दैवीय आपदा है। इसमें तो सभी को मदद करना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी नहीं आ रहा है। प्रतिनिधि तो छोड़िए, कोई भी अधिकारी भी नहीं आ रहा है। क्या कारण है ऐसा? हमारा नगर कोच क्या उत्तर प्रदेश से अलग है, या फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी इतनी ज्यादा सेवा भाव से लगे रहते हैं प्रदेश में, और उनकी साख पे बट्टा लगाने की कोशिश है क्या यहाँ के अधिकारियों की, कर्मचारियों की? नगर पालिका में इतना पैसा आता है, फिर भी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आपने खुद ही देखा, अभी और लोगों से भी इसी तरह से हम बातचीत करते हैं। अभी आपको कुछ तकलीफ हो गई थी क्या? तकलीफ क्या हो गई थी, हम काम को जा रहे थे, बस हमारे जाकर ना कुछ कर पा रहे, ना कुछ सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, नहीं है कुछ, नहीं है हमारे घर, परेशान हो रहे हैं। 1,000 रुपये जमा के तो उनका भी नहीं है, जब भी उठाव दिए थे जा रहे थे, बोले उठा नहीं जाओ। दवा लेने जा रही थी क्या? दवा लेने जा रही थी, तो आपने उनको बात बताई? बात बताई, बोले नहीं जाओ। तो उन्होंने, मैडम ने दिए आपको पैसे? मैडम ने जिस वक्त आपको पैसे दिए, क्या लगा आपको? खाने पीने का सामान? चलो
सबके जाते हैं। ये मैडम ने जिस वक्त पैसे दिए, क्या फोटो वगैरह खींचा किसी ने? कुछ नहीं खींचा, मतलब उन्होंने लोकप्रियता नहीं दिखाई, आपकी मदद की। हम काम को नहीं जा पा रहा है, तीन साल की माता का वैदना से खानी। फिर आप खाना पीना कैसे चल रहा है? कैसा चल रहा है? जैसे अब जो कुछ घर हो सब बना रहे हैं, बना रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद आई है क्या? नहीं आई हमारे। खाने के लंच के पैकेट बांटे जा रहे हैं? हमारे घर एक पैकेट नहीं लिया। कई दिन होगा इस तरह से पानी बढ़े हुए? वो होगा जब माता गड़ी थी, कई दिन आपको पानी चढ़े, जब गजारी की माता गड़ी थी, मतलब पाँच दिन हो गए। पाँच छह दिन से ऐसे ही पानी बढ़ा हुआ है। पानी बढ़ा, घर में जो रखा वही पका खा रही है। पड़ोस के लोग ही आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। अरे अंदर तक नहीं है कोई यार, यहाँ से उतरो तो ना से। इसे कोई नहीं आया, हमारे बापू ने दिया था दूध का, इनकी माँ ने, तो हमने कल चाय आए बनाए। हम तो बिना चाय के भेजे थे, कड़िया बना रहे थे, बोले हमसे ले जाओ दूध बना रहे। हमारा तो चाय पत्ती कुछ नहीं, बोले हमसे मदद कर दो। तो देख सकते ऐसे पीड़ितों की मदद होना चाहिए जो वाकई में परेशान है। सिर्फ सेल्फी खींचने का एक प्रचलन चल गया है, सरकार तक पहुंच जाए, हमारे फोटो पहुंच जाए और पहुंचने के बाद सरकार वाहवाही करे, कुछ अधिकारी इनकी वाहवाही करें, अरे साहब बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद सिर्फ एक दिखावा रह गया है। असली मदद ये बताई है अभी हमारी बूढ़ी माँ ने कि हमको जरूरत थी तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन उन्होंने फोटो नहीं खींचा, न खिंचवाया फोटो, मदद करके चली गई। ये होती है वाकई में मदद। अभी इसी तरह से और लोगों से भी अभी हम बात करते हैं कि पीड़ित लोगों की मदद आखिर किस तरह से पहुंच रही है। ये सिर्फ हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को पलीता लगाते ही वाकई में नजर आ रहे हैं। अभी और जीरो ग्राउंड से एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ और लोगों से भी अभी हम दिखाएंगे और बात कराएंगे क्या है हकीकत यहाँ की। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।